ये देखिए दिल्ली की तस्वीर, 7 की 7 सीट पर भारतीय जनता पार्टी का क्लीन स्वीप है, इंडिया गठबंधन 0-0। ये तस्वीर निकल कर आ रही है दिल्ली से। सीधे नीरज पांडे के पास चलते हैं जो दिल्ली में मौजूद हैं, दिल्ली के लोगों के साथ। नीरज, क्या कुछ कहना है इस ओपिनियन पोल पर दिल्ली की जनता का? मैं आपके पास आ रहा हूं, बताइए लोग क्या कह रहे हैं। बिल्कुल रोहित, आपने पहले ही कह दिया था कि दिल्ली दरअसल देश का दिल है और इस दिल में अलग तरह तरह के लोग रहते हैं। हमारे पीछे आप देखें, महिलाएं, बच्चे, फर्स्ट टाइमर वोटर, कुछ भारतीय जनता पार्टी के समर्थक, तमाम लोग हैं, एक युवा बेटी भी है, तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं। और सबसे जानेंगे कि आखिर वो लोग क्या सोचते हैं। भारतीय जनता पार्टी के समर्थक भी हैं। सर, आप लोग, आपको तो आपकी पार्टी को दिल्ली में 7 की 7 सीटें मिल रही ओपिनियन पोल के हिसाब से। बिल्कुल, मोदी जी ने ऐसा काम किया है कि जो लक्ष्य है 400 पार का, तो उससे अच्छा होगा। और दिल्ली का तो मोदी जी ने दिल जीत लिया है, और यहाँ पर हर तरीके की व्यवस्था उन्होंने किया है। इतना काम हुआ है देश में कि विपक्षी पार्टियाँ हैरान हैं कि अब हम क्या करें। काम गिनाना मोदी जी का, जब से कुर्सी पर बैठे हैं तब से दिन रात ही काम कर रहे हैं, चाहे ट्रेन की व्यवस्था हो, चाहे सड़कों की जाल की व्यवस्था हो, चाहे एम्स बनाने की बात हो। देश में 3 एम्स था, 16 एम्स। रोहित, हमारे साथ कुछ लोग भी हैं जो अलग अलग शहरों से आए हैं लेकिन दिल्ली घूम रहे हैं। दिल्ली के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? और दिल्ली में आज एबीपी न्यूज का जो ओपिनियन पोल है उसके अनुसार दिल्ली की 7 सीट एक बार फिर से बीजेपी को मिलती दिख रही। सर, मैं गुजरात से आया हूँ, मोदी जी के क्षेत्र से हूँ। तो समर्थक होंगे बड़े जी। और मैं दिल्ली करीब 2010 में आया था, और आज मैं मतलब 12-13 साल बाद आया हूँ, लेकिन दिल्ली का जो नक्शा मैं देख रहा हूँ ये बिल्कुल बदला है। ऐसी दिल्ली के बारे में मैंने कभी सोचा ही नहीं था। इसीलिए ये सब बदलाव हो रहा है, इसीलिए मोदी जी जी इसीलिए मिल रही है मोदी जी को जीत। फर्स्ट टाइमर वोटर क्या सोचते हैं? मैं तो यहाँ UPSC की प्रिपरेशन करने आई हूँ, तो आई वॉज जस्ट लाइक कि चलो ठीक है, देखती हूँ आज तो। अच्छा है, अच्छा है, प्रोग्रेस अच्छा है। फर्स्ट टाइमर वोटर एक बच्चा, इससे पूछते हैं आप लोग क्या सोचते हैं राजनीति के बारे में और मोदी जी को जो सफलता मिल रही है उसके बारे में क्या? देखिए, मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिले हम लोग को, सबको अच्छा एम्प्लॉयमेंट, जो अच्छा दे वो आए। और मोदी जी तो अच्छे हैं ही, वो तो आने ही चाहिए इस बार भी। जी रोहित, आप कुछ कह रहे थे। बिल्कुल नीरज, तो तमाम जो दिल्ली के लोग हैं और जो बाहर से भी लोग दिल्ली में आए हैं, दिल्ली घूमने आए, उनसे भी आपने बात किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम मेहमान हमारे पास, इनके पास आएंगे, भारतीय जनता पार्टी से भी हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर हरीश खुराना जी, इनसे भी बात करेंगे। और साथ ही साथ कांग्रेस से हरिशंकर गुप्ता जी मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। और आदिल खान साहब थोड़ा दूर बैठे हैं कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता, इनसे हम बात करेंगे। हालांकि हैं करीब, दिल्ली में नज़दीक है, लेकिन पंजाब में इतनी ही दूरी है जितनी दूरी यहाँ पर दिख रही है। बहरहाल मैं आऊँगा आप लोगों के पास भी, लेकिन पहले मैं एक सवाल ज़रूर भी आपसे लूँगा। विजय जी, क्या कहेंगे 7 की 7 सीटें गठबंधन के बावजूद? देखिए, भारतीय जनता पार्टी को जितना वोट मिल रहा है उसमें तो कोई वैसे भी गुंजाइश नहीं बचती जैसे सभी लोगों ने कहा, लेकिन दिल्ली जो है मोटे तौर पर भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है। विजय कुमार मल्होत्रा जब पहली बार जब काउंसलर बने थे, चीफ काउंसलर बने थे, और अडवाणी जी के वक्त से, लेकिन आज तक दिल्ली में जो विधानसभा और लोकसभा का फर्क वो है, वो ठीक तरह वैसा ही है जैसे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की तरह से, कि यहाँ प्रधानमंत्री के लिए वोट डालते। और जो बात कही गई कि लाभकारी योजनाएं केजरीवाल साहब की जो है उसकी वजह से विधानसभा में लोग उनको वोट डाल रहे हैं, लेकिन उससे बड़ा सवाल यह है कि पिछले 30 साल से बीजेपी विधानसभा में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर पार्टी का कोई लीडर मदन लाल खुराना के बाद हुआ ही नहीं। हरीश खुराना जी यहाँ बैठे हैं, बता सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का क्या कोई लीडर है? हर साल आप अध्यक्ष बदल रहे हो, इसका मतलब अभी तक आप लीडर की खोज कर रहे हो, और इसी वजह से पार्टी विधानसभा में नहीं आती, लेकिन वोट मोदी जी के लिए चल रहा है, इसलिए 7 की 7 सीट वहां पर मिल रही है उनको। जी, राज बिहारी जी भी हमारे साथ मौजूद है। जी राज बिहारी जी, क्या कहेंगे आप दिल्ली के बारे में? गठबंधन भी हो गया लेकिन उसके बावजूद तस्वीर नहीं बदली, ये माइक ले लीजिए प्लीज। देखिए, जैसे त्रिवेदी जी ने कहा कि खुराना जी के बाद दिल्ली में साहब सिंह वर्मा एक बड़े नाम थे, और सड़क दुर्घटना में उनका निधन हो गया, उनका भी बहुत जनाधार था। लेकिन जैसे अभी आप कह रहे थे कि देखिए लोकसभा चुनाव में तो इससे भी अच्छा ज़्यादा प्रश्न होने वाला है, को पिछली बार भी 57% मिला था, तो हो सकता है इससे ज़्यादा जाए जी, क्योंकि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो गठबंधन हुआ है वो जनता को पसंद नहीं आएगा जी, और ख़ास तौर पर जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, क्योंकि कांग्रेस की वजह से ही आम आदमी पार्टी आज सत्ता में है।
और कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है वो ये जान रहा है कि अगर कांग्रेस 2013 में आम आदमी पार्टी का समर्थन नहीं करती तो आम आदमी पार्टी सत्ता में लगातार नहीं बनी रहती जी। और दूसरा सवाल कि दिल्ली में बीजेपी क्यों नहीं विधानसभा चुनाव में आ रही, जैसे अभी नगर निगम में रही फिर हार गई 2022 में। दिल्ली में जिस तरह का काम लोकसभा चुनाव में किया है 2024 में, अगर इसी तरह का काम अगर विधानसभा चुनाव में बीजेपी करती कि उन उन नेताओं उन लोगों को टिकट देती बीजेपी जो वास्तव में फील्ड में काम करते हैं। लेकिन क्या होता है कि विधानसभा चुनाव आते आते बड़े नेता, क्योंकि सब दिल्ली के बड़े जितने भी बीजेपी के नेता हैं सबकी दिल्ली में गिद्धदृष्टि रहती है, जैसे ही विधानसभा चुनाव घोषित होते हैं सब अपने अपने खास आदमियों को चुनाव लड़ा देते हैं और जो फील्ड में काम नहीं कर रहे होते। इसकी एक बड़ी एक वजह हार की बीजेपी की बड़ी वजह यह है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।